कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं फिर आपको पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स, तो एक बार आप अच्छे से इसको सुन लें तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये हेल्प करे। तो पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है तो वो है चीता, जो कि एक बाघ प्रजाति का ही जानवर है, आपको पता ही होगा। एकमात्र विषैली छिपकली है वो है हेलोडर्मा, जो कि एक विषैली छिपकली है जो कि अपना कलर बदलती रहती है, जिस चीज़ पे जाएगी जिस कलर में तो वो अपना कलर बदल लेती है, तो वो एक विषैली छिपकली है। सबसे अधिक विषैली मीन है तो वो है स्टोन मीन, स्टोन मीन सबसे ज़्यादा विषैली मीन है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में सहायक है वो क्या कहलाता है, वो यूरेनाल, क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, यूरेनाल। युगलीना एवं एक प्रोटोजोआ है इसमें पाया जाता है, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति प्रस्तुत किया लिनियस ने, याद रखेंगे वर्गीकरण का जो द्विनाम पद्धति है उसको प्रस्तुत किसने किया है, तो वो लिनियस ने। जीवाश्म के आयु का पता लगाया जाता है तो वो कार्बन 14 पद्धति या डेटिंग, कार्बन डेटिंग पद्धति भी इसको बोलते हैं, उससे पता लगाया जाता है। मानव प्रजाति को चार समूह ऑस्ट्रेलॉयड्स, निग्राइड्स, काकेसाइड्स एवं मंगोलॉयड्स में बांटा है, किसने बांटा है, तो रोमन ने बांटा है, रोमन, रोम इटली के लोग को रोमन बोला जाता है, रोम के, तो रोमन ने बांटा है मानव के। उसके बाद है वंशानुगति संबंधी नियम प्रतिपादित किए, तो वो मेंडले ने किए हैं, वंशानुगति संबंधी नियम जो प्रतिपादित किए हैं वो किसने किया है, तो मेंडल ने। रुधिर को चार वर्गों में बांटा गया, ए बी, ए बी और ओ, और साथ इसमें ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ये सब आप नाम सुने हैं, तो किसने किया था, तो वो लैंडस्टीनर ने किया था। सर्वदाता रुधिर वर्ग किसको बोला जाता है, तो ओ जो है सभी को ब्लड ग्रुप अपना दे सकता है, लेकिन ले किसी का नहीं सकता, वो जब भी लेगा तो ओ ग्रुप के लोग ओ ग्रुप से ही ले सकते हैं। तो ये सर्वदाता तो है लेकिन ये ग्राही नहीं है, ये सिर्फ ओ ही ग्रहण करेगा। सर्वग्राही रुधिर ए बी होता है, जिनके पास ए बी रुधिर है वर्ग का है, तो वो ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं और ओ भी ले सकते हैं, तो वो सभी प्रकार के रुधिर यानी ब्लड ले सकते हैं। भैंस के दूध में वसा होती है 7.2%, 7.2% मात्रा जो है उसमें वसा होती है। मानव अपने रक्त का दान कर सकता है, 10% तक कर सकता है। दूध का रंग पीला होता है, यानी मानव शरीर में 6 से 7 लीटर, मान के चलिए 5-6 लीटर होता है, तो वो उसमें से आपका जो 500 ml तक वो ब्लड दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लिया जाता है किसी भी मनुष्य से, 10%, 5 लीटर का 10% यानी आपका 500 ml। उसके बाद है एड्स बीमारी की जांच करने के लिए किया जाता है, तो वो है एलिसा टेस्ट एड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एड्स बीमारी है उसको जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो वो है एलिसा टेस्ट, याद रखेंगे स्टूडेंट्स एलिसा टेस्ट। कई बार ये क्वेश्चंस बिहार एसएससी वगैरह में भी पूछे जा चुके हैं। आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो वो है लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब क्वेश्चंस स्टूडेंट्स बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, और ये भी आपके पर्यावरण अध्ययन में ही आएगा, वहाँ पे जो सेक्शन होगा पर्यावरण अध्ययन में, तो अच्छे से इसको सुन लें। कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने चुनाव किया था, तो मटर के पौधा का चुनाव किया था। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, तो वो होती है मनुष्य में 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाता है, तो वो है फ्लोएम,
कौन पहुंचाता है? फ्लोएम, याद रखेंगे। ग्लूकोज का सूत्र है 6C6H12O6, ये भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ग्लूकोज का है 6C6H12O6। पत्तियों का हरा रंग होता है किस कारण से? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में पत्तियां भाग लेती है और भोजन तैयार करती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है लगभग 7% मात्रा जो होती है वो रक्त की होती है। RBC का कब्र कहा जाता है यकृत लीवर को, रेड ब्लड सेल का जो कब्र है वो यकृत लीवर को कहा जाता है। RBC का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का। WBC व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है, यानी 120/80। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो यह है थायरोक्सिन एवं एड्रिनेलिन, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन एवं एड्रिनेलिन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई है वो है नेफ्रॉन, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। रक्त को छानकर शुद्ध बनाना व मूत्र बनाना किसका काम है? तो वो है किडनी का। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या होती है 208, बाद में क्या हो जाता है स्टूडेंट 206 हो जाते हैं। जो मस्तिष्क के जो हड्डी होते हैं वो जुट जाते हैं आपस में, ये याद रखेंगे आप। तो ये बाद में दो घट जाता है 206 हो जाता है बचपन में, लेकिन 208 हड्डियां होती है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो कान में हड्डियों की संख्या 6 है, याद रखेंगे कि टोटल कान में हड्डियों की संख्या 6 है। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कपाल जो आपका मुंड है, शरीर मस्तक का जो हड्डी है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 8 हड्डियां हैं मिलके आपके कपाल को बनाती है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये आपको पता ही होगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य में बौनापन होता है तो ये STH हार्मोन की कमी के कारण होता है स्टूडेंट्स, STH हार्मोन की कमी के कारण। थायरोक्सी हार्मोन निकलता है वो है अबटू ग्रंथि से, किस ग्रंथि से स्टूडेंट्स? अबटू ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। तो ये याद रखेंगे, ये सब जो भी क्वेश्चंस में अभी बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स पर्यावरण हमें, तो इसी सब में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने का चांस बिल्कुल होगा। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा रोग। घेंघा रोग जिसमें कि गर्दन के नज़दीक जो एक बड़ा सा थैला टाइप का बन जाता है वो घेंघा रोग होता है, और उसको दूर करने के लिए आयोडीन नमक का प्रयोग कीजिए तो इससे दूर होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से उसका मानसिक और शारीरिक विकास क्या होता है स्टूडेंट्स? अवरुद्ध हो जाता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो वो होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। जो ऑक्सीजन जो पूरे शरीर में रोटेट होता है तो वो हीमोग्लोबिन ही उसको रोटेट करवाता है। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो फिर मनुष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन और जीवित रहने के लिए हीमोग्लोबिन के का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वही ऑक्सीजन का परिवहन करता है ब्लड सेल में। रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, ये याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हाइड्रोफोबिया, देखिए हाइड्रो यहाँ वाटर है और फोबिया मैं डर, तो ये कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो ये बोला जाता है जब आप अगर कुत्ता काट लेता है, अगर उसे हाइड्रोफोबिया अगर हो गया है तो वो पानी से डरता है। अगर उसके सामने अगर पानी लाया जाए तो वो पानी से बहुत डर के भागता है। तो ये डॉक्टर्स लोग इसको जांचने के लिए, अगर कुत्ते ने काट लिया है फिर अगर डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो एक गिलास पानी ला के उसके सामने रखता है, वो देखता है कि सच में इसे हाइड्रोफोबिया हो गया है कि नहीं हुआ है। अगर वो जो है पेशेंट पानी देख के भागता है तो बिल्कुल मतलब वो हाइड्रोफोबिया का शिकार हो गया है। तो कुत्ता काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो वो है हाइड्रोफोबिया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और भी करवा देता हूँ स्टूडेंट्स आपको, तो आप देखते रहिए।
अब क्या है स्टूडेंट्स, पौधे में जैव पदार्थों का वहन होता है, तो फ्लोएम द्वारा, मैंने इससे पहले